हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मुंबई दौरे के दौरान खास तौर पर पहुंचे हैं आईएनएस भवन, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय, जहां पर के प्रधानमंत्री ने आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कॉम्प्लेक्स में ये शानदार आईएनएस टावर्स के उद्घाटन के लिए आयोजित किया जा रहा है। भारत के इस अमृतकाल में यहाँ की 14 मंजिली इमारत भविष्य में स्थापित होने वाले बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास इस वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स में एक पत्रकारिता की केंद्र बिंदु बनने वाली है। यहाँ पर 1.5 लाख स्क्वायर फुट की जगह में दर्जनों न्यूज़पेपर के ऑफिस स्थापित हो रहे हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला इस उद्घाटन समारोह के लिए और अपनी उपस्थिति से इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को ऊर्जा दी। बहुत बहुत तालियां। मैं आईएनएस प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को सम्मानित कर स्वागत करें। राकेश शर्मा जी, तालियां की गूंज आती रहे। ये प्लाक आईएनएस की तरफ से प्रधानमंत्री को समर्पित किया जा रहा है। राकेश जी, अब माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से पहले आदरणीय राज्यपाल रमेश बैंस जी को भी स्वागत करेंगे। राकेश जी, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी स्वागत करें। राकेश जी से गुजारिश है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को सम्मानित करें और अब उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी। राकेश जी, आपसे अनुरोध है कि आप यहां आके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे अतिथियों को कुछ शब्द बोलकर स्वागत करें। राष्ट्रहित के सबसे बड़े चिंतक और राष्ट्रहित में जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, मैं दो शब्द उनकी वंदना में कहना चाहता हूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, मीडिया जगत को दशा दिशा देकर संचालित करने वाले स्तुति जन एवं सदन में उपस्थित गणमान्य भाइयों और बहनों, आईएनएस की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पद्म आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आईएनएस मुंबई के भवन के उद्घाटन के अवसर पर हम आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित ही नहीं अभिभूत भी महसूस कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व कुटुंब को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, उसे हम सब ने इनके बीते 10 वर्षों के कार्य को देखकर स्वयं अनुभव किया होगा। इनकी विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता हमने G20 के सफल आयोजन के समय, जब आपने एक पृथ्वी एक परिवार का नारा देकर सनातन द्वारा प्रदत्त वसुदेव कुटुंबकम को साकार किया, G7 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभी हाल ही में रूस यात्रा के द्वारा विश्व शांति के लिए वार्ता का संदेश देकर एक शांतिप्रिय समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वप्रथम मैं आपको तीसरी पारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने तीसरी पारी के प्रारंभ में तिगुनी मेहनत कर विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लिया है, वह अद्भुत एवं अद्वितीय है।
इसने प्रत्येक भारतवासी के मन में आशा और विश्वास का संचार किया है कि हम हर परिस्थिति का सामना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बीते दिनों स्वामी विवेकानंद के चरणों पर माल्यार्पण करते हुए और गहरा ध्यान लगाकर संकल्प वाक्य उठो जागो और आगे बढ़ो अर्थात उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बोधक और अब हमारा भारत विश्व गुरु बने और इसके साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ चले। प्रधानमंत्री जी प्रतिमा आप राष्ट्रीय मुद्दों पर मन की बात कर 140 करोड़ भारतीयों में ऊर्जा का संचार कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। आज मैं भी आपसे हृदय के अंतःकरण से राष्ट्रहित में बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आपके समक्ष जो मीडिया जगत के सर्वोच्च पद पर आसीन लोग बैठे हैं वो भारत के हैं, वो भारतीय हैं, भारत इनके लिए सर्वोपरि है। राष्ट्रहित में सकारात्मक समालोचना और अंतोत्गत्वा अपने अंतर मन में यह बात भी जरूर कहूंगा कि हमारा सोशल मीडिया जितना मुखर हो रहा है उस पर देश हित में कुछ अंकुश भी जरूरी है, तभी हम राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए समस्त कार्यों को संपादित कर सकते हैं। हम समाचार पत्र जगत के लोग अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करते हैं और कभी भी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते। हम सभी समाचार पत्रों को अपनी अपनी जिम्मेवारी भी निर्धारित परिधि के दायरे में निभानी आती है। भारत विविधताओं और अन्य अनेक भाषाओं का देश है। हिंदी सहित सभी भाषाई समाचार पत्र अनवरत सरकार के अच्छे कार्यों को गांव, देहात कस्बों एवं जिलों तक विषम परिस्थितियों में भी पहुंचाने का अतुलनीय कार्य कर रहे हैं, लिहाजा उनकी ओर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इन समाचार पत्रों को अपनी जिम्मेदारी को संपादित करने में जो कठिनाई आती है उसे राष्ट्रीय स्तर पर समझना और देखना होगा। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रहित को समृद्ध बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि मीडिया जगत और सरकार एक दूसरे के पूरक बनकर बढ़ेंगे तो ही विकसित राष्ट्र भारत का संकल्प शीघ्र ही साकार होगा। प्रधानमंत्री जी संवैधानिक ढांचे और लोकतंत्र के मंदिर में जो नारेबाजी और हंगामे का दृश्य उभर रहा है उस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इसे देख हम सब विचलित हैं, यह कहीं विकास में आड़े तो नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं और आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि कोरोना कालखंड के उपरांत हमारा समाचार पत्र उद्योग अभी तक उभर नहीं पाया है। आपसे इससे निकलने के लिए कुछ प्रस्ताव और सुझाव दे रहे हैं, इसमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। सर हम लंबी अवधि तक राष्ट्र की सेवा कर सकें इसके लिए कुछ दिन पूर्व ही आपकी सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मैं कुछ सुझाव देकर आया हूं। आशा करते हैं वह इस बजट में उन पर विचार अवश्य करेंगी जिसे हमें कुछ सहायता मिल सकेगी। प्रधानमंत्री जी एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा जिससे पूरा मीडिया जगत उथल पुथल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फूड और हेल्थ प्रोडक्ट के विज्ञापन को लेकर एक आदेश पारित किया था लेकिन कुछ अति उत्साही अधिकारियों ने इसे हर प्रकार के विज्ञापन पर लागू कर दिया। आदेश था कि विज्ञापन दाता और विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन देने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय या भारतीय प्रेस परिषद की साइट पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि इस विज्ञापन में कोई भ्रामक दावा नहीं है। सर देश में लगभग 13 लाख विज्ञापन दाता है जिसमें अधिकतर गांव कस्बों और जिलों से हैं और उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन साइट पर डाल सकें। इससे समाचार पत्रों को आर्थिक घाटा होना शुरू हो गया है। हम चाहेंगे भविष्य में ऐसा कोई भी आदेश जारी करने से पहले संबंधित लोगों से चर्चा अवश्य होनी चाहिए जिससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 85 वर्ष पूर्व 1939 में हुई थी। आज हमारे बड़े मंझोले और छोटे अखबारों को मिलकर 800 सदस्य हैं। यह सोसाइटी उनके हितों के लिए काम करती है।
आज इस मौके पर मैं उन सभी साथियों का, खासकर जिन्होंने इस भवन के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया है, उन्हें भी याद करना चाहूंगा। जैसे श्री विजय दर्रा, जिन्होंने जमीन दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, श्री एच एन कामा, जिन्होंने लगातार इस प्रोजेक्ट पर बारीकी से निगाह रखते हुए इसे संपन्न करवाया, मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी अपनी तरह योगदान दिया, हमारी सेक्रेटरी जनरल मेरी पॉल ने भी लगातार बहुत भाग दौड़ कर कार्य संपादित किया, और अंत में मैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया। प्रधानमंत्री जी, समाचार पत्र उद्योग का विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत योगदान रहने वाला है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जैसे आज संवाद हुआ है, वह साल प्रति साल ऐसा आपके साथ, इंडस्ट्री के साथ चर्चा का मौका मिले तो उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी। अंत में ऋग्वेद दशम मंडल के मंत्र उद्धृत करते हुए मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की ओर से यही कहूंगा कि सम गच्छत्वम सम बद्धयाम सावो मानांसी जानताहम देवा समानो मंत्र समिति समानी। हम भावनात्मक जुड़ाव से आपके संकल्पों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रगतिवान रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति से हम अनुग्रहित हैं, आप हमें नव ऊर्जा देने आए हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भाई राकेश शर्मा जी, सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी को मुंबई में एक विशाल और आधुनिक भवन मिला है। मैं आशा करता हूं कि इस नए भवन से आपके कामकाज का जो विस्तार होगा, आपकी जो ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी, उससे हमारे लोकतंत्र को भी और मजबूती मिलेगी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी तो आजादी के पहले से अस्तित्व में आने वाली संस्थाओं में से एक है, और इसलिए आप सबने देश की यात्रा के हर उतार चढ़ाव को भी बहुत बारीकी से देखा है, उसे जिया भी है और जन सामान्य को बताया भी है। इसलिए एक संगठन के रूप में आपका काम जितना प्रभावी बनेगा, देश को उसका उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, मीडिया केवल देश के हालातों का मुख दर्शक भर नहीं होता। मीडिया के आप सभी लोग हालातों को बदलने में, देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को जागरूक करता है, ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है, और यही मीडिया है जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। आप भी देख रहे हैं, जिस देश में नागरिकों में अपने सामर्थ्य को लेकर आत्मविश्वास आ जाता है,
वो सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने लगता है। भारत में भी आज यही हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक समय था जब कुछ नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के लोगों के बस की बात नहीं है। ये लोग सोचते थे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली चीजें इस देश में नहीं चल पाएगी, लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज भारत के यूपीआई की वजह से आधुनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे भेजना आसान हुआ है। आज दुनिया भर में हमारे जो देशवासी रहते हैं, खास करके गल्फ के देशों में, वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं और उनको जो पहले खर्च होता था उसमें से बहुत कमी आ गई है। और इसके पीछे एक वजह ये डिजिटल रिवॉल्यूशन भी है। दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे टेक्नोलॉजी और हमारे इंप्लीमेंटेशन मॉडल को जानना समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी सफलता सिर्फ सरकार की है ऐसा नहीं है। इस सफलता में आप सभी मीडिया के लोगों की भी सहभागिता है और इसलिए ही आप सब बधाई के भी पात्र हैं। साथियों, मीडिया की स्वाभाविक भूमिका है होती है डिस्कोर्स क्रिएट करना, गंभीर विषयों पर चर्चाओं को बल देना, लेकिन मीडिया के डिस्कोर्स के दिशा में कई बार सरकार की नीतियों की दिशा पर निर्भर होती है। आप जानते हैं सरकारों में हमेशा हर कामकाज के पीछे अच्छा है बुरा है, लेकिन वोट का गुणा भाग उसकी आदर लगी ही रहती है। हमने आकर के इस सोच को बदला है। आपको याद होगा हमारे देश में दशकों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन उसके बाद की सच्चाई ये थी कि 2014 तक देश में 40-50 करोड़ गरीब ऐसे थे जिनका बैंक अकाउंट तक नहीं था। अब जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब जो बातें कही गई और 2014 में जो देखा गया, यानी आधा देश बैंकिंग सिस्टम से बाहर था। क्या कभी हमारे देश में ये मुद्दा बना? लेकिन हमने जनधन योजना को एक मूवमेंट के तौर पर लिया। हमने करीब 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में यही काम हमारा सबसे बड़ा माध्यम बना है। इसी तरह स्वच्छता अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियानों को अगर हम देखेंगे, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में कहीं फिट नहीं होते थे, लेकिन बदलते हुए भारत में देश के मीडिया ने इन्हें देश के नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया। जो स्टार्टअप शब्द 2014 के पहले ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें मीडिया की चर्चाओं ने ही घर घर तक पहुंचा दिया है। साथियों, आप मीडिया के दिग्गज हैं, बहुत अनुभवी हैं, आपके निर्णय देश के मीडिया को भी दिशा देते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरे आपसे कुछ आग्रह भी हैं। साथियों, किसी कार्यक्रम को अगर सरकार शुरू करती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी कार्यक्रम है।
सरकार किसी विचार पर बल देती है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सरकार का ही विचार है। जैसे कि देश ने अमृत महोत्सव मनाया, देश ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, सरकार ने इसकी शुरुआत जरूर की लेकिन इसको पूरे देश ने अपनाया और आगे बढ़ाया। इसी तरह आज देश पर्यावरण पर इतना जोर दे रहा है, ये राजनीति से हटकर मानवता के भविष्य का विषय है। जैसे कि अभी एक पेड़ मां के नाम ये अभियान शुरू हुआ है, भारत के इस अभियान की दुनिया में भी चर्चा शुरू हो गई है। मैं अभी G7 में गया था, जब मैंने इस विषय को रखा तो उनके लिए बड़ी उत्सुकता थी, तो हर एक को अपनी मां का प्रति एक रहता है, उसको लगता है ये बहुत क्लिक कर जाएगा, हर कोई कह रहा था। देश के ज्यादा से ज्यादा मीडिया हाउस अगर इससे जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का बहुत लाभ होगा। मेरा आग्रह है ऐसे हर प्रयास को आप देश का प्रयास मानकर उसे आगे बढ़ाएं। ये सरकार का प्रयास नहीं है, देश का है। इस साल हम संविधान का 75वां वर्ष भी मना रहे हैं। संविधान के प्रति नागरिकों में कर्तव्य बोध बढ़े, उनमें जागरूकता बढ़े, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। साथियों, एक विषय है टूरिज्म से जुड़ा हुआ भी। टूरिज्म सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं बढ़ता है। जब हम सब मिलकर देश की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं तो देश के सम्मान के साथ साथ देश का टूरिज्म भी बढ़ता है। देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप लोग अपने तरीके निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के सभी अखबार मिलकर के तय करें कि भाई हम सितंबर महीने में बंगाल के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे अपनी तरफ से, तो जब महाराष्ट्र के लोग चारों अखबारों में हर तरफ बंगाल बंगाल देखे तो उनको करेगा यार इस बार बंगाल जाने का कार्यक्रम बनाए तो बंगाल का टूरिज्म बढ़ेगा। मान लीजिए आप 3 महीने के बाद तय करें भाई हम तमिलनाडु के सारी चीजों पर सब मिल करके एक एक करें कि एक दूसरा करें, ऐसा नहीं, तमिलनाडु फोकस करेंगे। आप देखिए एकदम से महाराष्ट्र के लोग टूर में जाने वाले होंगे तो तमिलनाडु की तरफ जाएंगे। देश के टूरिज्म को बढ़ाने का एक तरीका, और जब आप ऐसा करेंगे तो उन राज्यों में भी महाराष्ट्र के लिए ऐसे ही कैंपेन शुरू होंगे जिसका लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा। इससे राज्यों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, और आखिरकार इसका फायदा जिस राज्य में आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा प्रयास किए बिना आराम से होने वाला काम है। साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने को लेकर भी है। हमें सोचना होगा दुनिया में हम नहीं है एज फार एज मीडिया इज कंसर्न। हम 140 करोड़ लोग के देश हैं, इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य और संभावनाएं, और बहुत ही कम समय में हम भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होते देखने वाले हैं। अगर भारत की सफलताएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का दायित्व भी आप बहुत बखूबी निभा सकते हैं। आप जानते हैं कि विदेशों में राष्ट्र की छवि का प्रभाव सीधे उसकी इकोनॉमी और ग्रोथ पर पड़ता है। आज आप देखिए विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का कद बढ़ा है, विश्वसनीयता बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, क्योंकि विश्व में भारत की साख बढ़ी है। भारत भी वैश्विक प्रगति में कहीं ज्यादा योगदान दे पा रहा है। हमारा मीडिया इस दृष्टिकोण से जितना काम करेगा देश को उतना ही फायदा होगा। और इसलिए मैं तो चाहूंगा कि जितनी भी यूएन लैंग्वेजेज है उनमें भी आपके पब्लिकेशंस का विस्तार हो। आपकी माइक्रोसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन भाषाओं में भी हो सकते हैं, और आजकल तो AI का जमाना है,
ये सब काम आपके लिए अब बहुत आसान हो गए हैं। साथियों, मैंने इतने सारे सुझाव आप सबको दे डाले हैं, मुझे मालूम है आपके अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिमिटेड स्पेस हो रहती है, लेकिन आजकल हर अखबार पर और हर एक के पास एक पब्लिकेशन के डिजिटल एडिशंस भी पब्लिश हो रहे हैं। वहां न स्पेस की लिमिटेशन है और न ही डिस्ट्रीब्यूशन की कोई समस्या है। मुझे भरोसा है कि आप सब इन सुझावों पर विचार करके नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। और मैं पक्का मानता हूं कि आपके लिए एक भले दो पेज की छोटी एडिशन जो दुनिया की यूएन की कम से कम लैंग्वेजेज में हो, दुनिया का अधिकतम वर्ग उसको देखता है, पढ़ता है, एम्बेसीज उसको देखती है, और भारत की बात पहुंचाने के एक बहुत बड़ा सोर्स आपकी ये जो डिजिटल एडिशन है उसमें बन सकता है। आप जितना सशक्त होकर काम करेंगे देश उतना ही आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे मुझे मिलने का अवसर भी मिल गया। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।